जिम्मेदार बेटा मेरा घर चला रहा था, वो बड़ा लड़का है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 2 छोटे हैं, वो बड़ा था, सबसे जिम्मेदार था घर का। मुझे तो कहता था पापा तू टेंशन मतलब घर रहे आराम से, मैं हम काम करेंगे। 24 तारीख को वहां से माल लाया था, भर के गाड़ी भर भर के लाता था, 26 को पुनाना से खूब बढ़िया काम करता था, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा हुआ है पैसे थे उतना पता नहीं क्या धमकी दिए क्या कहा है उसको भी पता था वो। हमें तो वो सोसाइटी नोट मिला था जब उसको लेके गए थे। आपको कुछ बताया हो? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया हमें, ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई बातचीत नहीं। नहीं कही। घर से बढ़िया गया था काम करने के लिए, पापा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं जा बेटा वहां पशु का ये मास्टर का वो दरवाजा का काम था, मैंने कि इनको ले जा, मैं रेड़ा ला रहा हूँ। खूब अच्छा गया था दुकान पे काम करने के लिए। हमें तो पता भी नहीं चलता, उसने दूसरे फोन से फोन किया था, मेरा छोटा लड़का था दुकान पे, भाई मेरे भाई से बात करवा दे मैं यहाँ हूँ, एक सुखी सरदार है उसकी बिजली पे हूँ। हम उस वो लड़का गया भाई फोन दूसरे को दे के गया, भाई क्यों गया वहाँ काम ज्यादा है वहाँ, उसे मिला नहीं। फिर हम भी गए वहाँ, पहुंच गए तो एक सरसों की डॉल पे पड़ा मिला था हमें, तो हम हाँ वही है पड़ोस में ही है, एक टूवल है सरसों थी उसकी डॉल पे बैठा मिला था। एक बंदा था वहाँ रहने वाला, उससे पूछा मैंने कि मेरा बेटा आया आया था, पर तेरा यार बड़ा लड़का नहीं, वो छोटा लड़का नहीं बड़ा वो आया था। मैंने कोई नहीं नानक को देखा नुक यार अभी आया था यहाँ, हमने वहां देखा तो वो डॉल पे पड़ा मिला, हम तो उसी टाइम लेके भाग दिया उसको। चलो ये कितने बच्चे होंगे? नानक के बच्चे नहीं थे, शादी शुदा था। कितने साल पहले शादी थी? वो 15 में हुई थी शादी, लगभग 7-8 साल। नमस्कार, DTV न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं अभी हम कैथवाड़ा में हैं, जो कि भरतपुर जिले का गांव है, और कैथवाड़ा के थाने के सामने धरना चल रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नानक हत्याकांड 29 जनवरी 2023 न्याय प्राप्त करने हेतु सर्व समाज द्वारा दिनांक 24/2/2023 अनिश्चितकालीन धरना, एक मांग हत्यारा को गिरफ्तार करें वे सजा दें। नानक हत्यारा थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें नानक की जेब में जो सुसाइड नोट मिलता है उसमें नामजद शाहिद खान, एक मुस्तफ़ा जो कि सुसाइड नोट में थे, उनका कहना था नानक चंद का जो जेब में निकला था सुसाइड नोट उसमें लिखा हुआ था कि जो मेरे पैसे हैं वो नहीं दिए गए, इस वजह से उन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन उसके साथ ही ये लोग यहाँ बैठे हैं धरना दे रहे हैं। जवाहर सिंह बीड़म जी हैं, नौमान सरपंच है, और उसके परिवार के लोग हैं, नानक के परिवार के लोग हैं। अभी धरना समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन मिला है। क्या क्या बातें पुलिस से हुई हैं वो बात करेंगे। जी जी सर, पुलिस से क्या आश्वासन अभी आपको मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि भाई नानक की आत्मा को शांति दे। ये 29 जनवरी की घटना है, और 29 जनवरी की घटना के बाद आज दिनांक तक कैथवाड़ा पुलिस ने ना अपराधियों को गिरफ्तार किया और ना जो पीड़ित पक्ष है उसको कोई ऐसी ठोस सांत्वना दी जिससे उनके मन में शांति होती। लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि भाई 25 दिन हो गए, आत्महत्या हुई है, और आत्महत्या में उन्होंने जिस तरह का सुसाइड नोट छोड़ा उसमें सारी घटना का उल्लेख किया हुआ है, उसके बावजूद भी कैथवाड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सर्व समाज के लोग आक्रोशित हुए, और आक्रोशित होने के बाद आज धरना देने का निर्णय किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। धरना स्थल पर डीग पुलिस के उपाधीक्षक और यहाँ के SHO दोनों आए, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम 4-5 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने सबने उनको सूचनार्थी भी कहा है कि आपने 4-5 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया या इस पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला तो 2 मार्च को पुनः इसी स्थान पर धरना देंगे। आपको मालूम है, आप चैनल के माध्यम से पूरे जिले में घूम रहे, जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था खराब हुई है, आपने भरतपुर की घटना देखी होगी कल परसों की, वहाँ सरेआम जिस तरह से एक नौजवान के ऊपर फायरिंग हुई है, उससे पहले भी फायरिंग हुई है, एक बिहारी को मारा, एक जगीना के कृपाल सिंह को मारा,
एक डॉक्टर दंपत्ति के ऊपर सरेआम हमला हुआ, एक सरपंच के ऊपर सरेआम हमला हुआ। तो भरतपुर जिले में जिस तरह की कानून व्यवस्था खराब है, खासकर ये कैथवाड़ा, सीकरी, गोपालगढ़, पहाड़ी, कामा, जोरहरा नगर, इन थानों में जिस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ी है, वो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और यहाँ की जनता, यहाँ की पुलिस से उन्हें मांग करती है कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, यहाँ के विधायकों के दबाव में आकर के गलत काम नहीं करें, अन्यथा आज तो ये धरना दिया है। यहाँ की जनता इकट्ठी होकर के पुलिस के अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करेगी और जनता थानों से बाहर निकाल करके उनके जो कर्तव्य हैं उनका भी एहसास कराने का प्रयास कर सकती है। इतना बड़ा आक्रोश जनता में है। ऐसा मामला कि जिसमें पहली बार ऐसा कुछ देखा गया है कि पैसा मांगने वाला सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, पैसा मांगने वाला अपनी मतलब जान दे देता है। इन अक्सर कर जो मामले होते हैं उसमें ये होते हैं कि या तो कोई उससे पैसा मांग रहा है, कर्जा होता है, लेकिन पहली बार ऐसा मामला है। देखो, ये मेरे गांव का लड़का नानक चंद, एक तो ये स्वभाव से एक बहुत इसका सरल स्वभाव और ये मिलनसार बंदा था, बहुत बहादुर लड़का था, सबसे मिल बैठ कर रहता था, सब समाज में मेवों से भी, प्रजापतों से भी। अब इसमें इन लोगों ने इनसे क्या कहा कि भाई हमारे ये पैसा लेने गया, उन लोगों ने इसको कैसी धमकी दी। पहली बार जो आपने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद पैसा लेने वाला और डरा दिया जाता है और वो बेचारा सुसाइड नोट लिख देता है। इसमें हम लगभग ये 28-29 दिन से देख रहे थे कि शायद भाई पुलिस का मैटर है, उसमें एक पुलिस का जवान भी है मुजरिम, तो पुलिस देख रही है। लेकिन जब हमको ऐसा लगा कि घगवाड़ी ग्राम पंचायत, बिल्कुल कैथवाड़ा ग्राम पंचायत से सटी हुई पंचायत है, जिसमें लगभग 2 साल पहले एक बच्ची जिसको मार दिया गया था, जंगल में फेंक दिया गया था, जिसको लेकर जवाहर जी ने उस टाइम भी संघर्ष किया था, और आज तक उस लड़की का मर्डर उजागर नहीं हुआ। हमको पुनः ऐसा लगा कहीं ये नानक चंद का जो है ये मर्डर भी कहीं ऐसा ही ना छुप जाए, तो हमने जवाहर जी से संपर्क किया और यहाँ पर धरने के लिए हम लोग सब गाँव वाले, सारे समाज के लिए, मेव समाज के लोग, बड़ी पंचायत के थोड़ा पूरा गाँव नानक चंद जी के साथ है और हम यहाँ पर धरने पाए। उसके बाद जब डिप्टी साहब ने, सीओ सर्किल डीग ने साहब को, मंत्री जी को आश्वस्त कर दिया कि साहब हम 3-4 रोज के बाद हम ये मुजरिम पकड़ लेंगे, तो हमने उनसे कह दिया कि या तो आप 2 तारीख तक हमारे मुजरिम ला दें, अन्यथा नहीं तो फिर पुनः दोबारा से हम पूरा गांव और पूरा इलाका मिलकर, वो गगवाड़ी की बच्ची जिस तरह से उसका मर्डर नहीं खुला, ऐसे हम इस काम को बिल्कुल यानी इस खुले पुलिस को ऐसा खुला नहीं छोड़ेंगे और न्याय लेकर आएंगे। पुलिस के कार्य पर आपको कहीं ना कहीं अभी संतुष्टि? हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, आप जैसे साहब से बात करिए तो संतुष्टि है, वो अगर मुजरिम ले आए तो संतुष्टि है, और अगर वो मुजरिम नहीं ले पाए 2 तारीख तक तो निश्चित तक संतुष्टि है। अभी तक जो नहीं हो पाई गिरफ्तारी, उसको अगर अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो उसके पीछे की क्या रीजन बताए, क्या वजह बताइए? देखिए, आपको भी सब मालूम है और हमको सब पता है, राजस्थान की पुलिस आजकल राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ के पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक कह देते हैं ये मुलजिम है तो वो मुलजिम है, यहाँ के विधायक कह देते हैं मुलजिम नहीं है तो ये मुलजिम नहीं है। इस तरह का पहली बार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो पुलिस निश्चित रूप से दबाव में काम कर रही थी, आज ऐसा लगा कि वो जनता के दबाव के कारण यहाँ के राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे और मंगल जो इस पीड़ित के पिता हैं इनको न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जवाहर सिंह बेडम ही नहीं, ये सारे लोग, सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के पुलिस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे और मंगल को न्याय दिला करके ही रहेंगे। देखिए, नानक के पिता हैं, आप रोइए मत। देखिए, इस वक्त में वो कहीं ना कहीं भावुक हो गए, जो अपने लाल को खोया है। आप दर्द उनका समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। अपनी बातों को बयां करना अपने आप में इस वक्त में उनके लिए कितना कठिन होगा, कितना कठिन हो सकता है, ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जिस पे बीत रही है वही जानता है उस दर्द को। अभी हम आपको बता दें, पुलिस थाना कैथवाड़ा के सामने ये अनिश्चितकालीन धरने का इन लोगों ने कहा, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने धरने को समाप्त कर दिया है। अब उनको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अगर इसमें गिरफ्तारी करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे और आने वाले 3 मार्च को फिर से यहां धरना शुरू करेंगे। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो फिर दिखाना चाहूंगा, पुलिस थाना कैथवाड़ा के सामने धरना दिया गया। नानक चंद जो है, नानक यानी कि नानक प्रजापति है, जिनको 29 जनवरी 2023 को सुसाइड जो किए थे
अपनी यूं कहें कि आत्महत्या जो किए थे उसमें सुसाइड नोट छोड़े थे, उसको कहना है कि कहीं ना कहीं उन हत्यारों को जिनका नाम है उनको अब तक गिरफ्तार करना चाहिए। तो बने आप हमारे साथ कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ, मैं आपका अपना जी कोली डीटीवी न्यूज से, धन्यवाद।